जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव के बाद ही राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने इस बाबत एक प्रस्ताव को पास कर दिया है। बीते गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ है। सूत्रों की माने तो उमर अगले दो दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंप देंगे। जानकारी हो कि उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान इस बात को प्रमुखता से कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। वहीं बीते 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद अगले दिन ही उन्होंने प्रस्ताव पास किया। इस कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना मसूद ईटू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा भी मौजूद थे।